नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 को लेकर कुछ अपडेट हैं, और इस अपडेट के साथ ही डिटेल में देख लेंगे कि किस तरह का ये टैंक है। तो सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अर्जुन मार्क 1A ने अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब अर्जुन मार्क 1A अपने ऑर्डर्स के लिए वेट कर रही है। जहाँ तक बात है इसके वेट कैटेगरी की, तो इसका वेट अभी 68 टन के अराउंड है। अब डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह का अर्जुन मार्क 1A टैंक है। तो अर्जुन मार्क 1 को 1972-1973 से बनाया जा रहा था। उसके बाद तकरीबन इसके डेवलपमेंट के शुरू के 10 सालों में जो इसको लेके रिक्वायरमेंट थी, वो आर्मी ने कई दफा चेंज की है मिड प्रोजेक्ट्स के दौरान। तो और जब कुछ ऐसा होता है तो आप समझ लेना कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले होगा ही होगा, और वो एकदम परफेक्ट बन के ऊपर आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जब आपको किसी प्रोजेक्ट के मिड में ही चेंजेस करने पड़ते हैं। तो 2001 या 2002 के अराउंड ये बन के तैयार था, और उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डिकेड तक ये ट्रायल्स के अंदर रहा है अर्जुन मार्क 1। और फिर उसके बाद इसके 2 रेजिमेंट प्रोक्योर किए गए, और पहला रेजिमेंट 2010 में प्रोक्योर किया गया, और दूसरा रेजिमेंट 2011 में प्रोक्योर किया गया। और ये दोनों रेजिमेंट मिला के तकरीबन 124 टैंक्स हैं, और ये भी डेजर्ट एरिया में डिप्लॉय किए गए हैं। तो अर्जुन मार्क 1 को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो कि आर्मी के हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए था, तो वो इंप्रूवमेंट तकरीबन 93 के अराउंड इंप्रूवमेंट आर्मी मांग रही थी, जिसको CVRDE और DRDO की बाकी लैब मिलके अर्जुन मार्क 2 में इंप्लीमेंट करने वाले थे। तो इसके अराउंड तकरीबन 72 ऐसे इंप्रूवमेंट्स पे काम कर लिया गया है, और जिसको लेके 14 ऐसे इंप्रूवमेंट्स थे जिनमें मेजर डिजाइन के चेंज की आवश्यकता थी, तो उन सभी को इंप्लीमेंट कर लिया गया है। और ये पूरा इंप्लीमेंटेशन 3 साल के अंदर कर दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्जुन मार्क 2 है, जिसमें अभी 72 इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, और अब इसको अर्जुन मार्क 1A का नाम दे दिया गया है, क्योंकि एक और इंप्रूव्ड वर्जन बनेगा जो कि बाकी के जो मेजर इंप्रूवमेंट्स रह गए हैं उन सभी के साथ उस अर्जुन मार्क 2 में इसके वेट कैटेगरी पे भी काम किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अर्जुन मार्क 1 से अर्जुन मार्क 1A किस तरह से और कितना इंप्रूव्ड है। जहां तक बात है अर्जुन मार्क 1 के क्रिटिक्स को लेके, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में काउंटर करूंगा कि जितने भी क्रिटिक्स हैं फॉरेन या फिर इंडिया के, उनके जो पॉइंट्स हैं उन सबको काउंटर करने वाले हैं। तो हाँ, ये मानते हैं कि अर्जुन मार्क 1 बेस्ट टैंक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको जितना बेकार बताया जा रहा है उतना भी बेकार नहीं है। और ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमारा तेजस है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि तेजस के SP-1 को उसी के क्लास के बेस्ट जो फाइटर जेट्स हैं उनसे कंपेयर करो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तेजस के जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस हैं वो बेकार हैं। तो कुछ इसी तरह हमारे टैंक के साथ भी है। ये हमारा पहला टैंक था जिसमें हमने काम किया है। तो किसी भी कंट्री के आप पहले टैंक को देखोगे और उन्होंने उसमें जितना अचीव किया है उससे हमने कहीं ज्यादा ही अचीव किया है अपने पहले टैंक के हिसाब से। तो इसको लेके एक डिटेल वीडियो में सारे पॉइंट्स को काउंटर करेंगे। फिलहाल अभी सारे इंप्रूवमेंट्स को देख लेते हैं, और हो सकता है कि इन्हीं इंप्रूवमेंट्स में आपको कुछ कमियां जो कि दूसरों ने निकाली है इसमें उसका आंसर आपको मिल जाए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अर्जुन में तकरीबन 4 क्रू की बैठने की जगह है, तो इसके गनर का जो मेन साइड व्यू है वहां पे इंप्रूवमेंट किया गया है मार्क 1A में। अब गनर का जो मेन साइट है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है एक ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सेंसर से, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई टारगेट मूव कर रहा है फास्टली तो उसको मैनुअली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका सेंसर है उसको ट्रैक करता रहेगा, और आप टैंक के अंदर बैठ के जो आपका टैंक चलता रहेगा तो उस दरमियान भी आप उस मूविंग टारगेट को हिट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके टैंक में बैठे जो कमांडर है उसके साइड को, तो उसके साइड को भी अब इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कमांडर के व्यू के लिए यहाँ पे पैनोरमिक कैमरा लगाए गए थे, और ये चीज वो कैमरा होती है जो कि एक वाइडर व्यू आपको देती है। तो इस पैनोरमिक कैमरा को, जिसे कमांडर्स पैनोरमिक साइट CPS मार्क 2 के नाम से जाना जाता है, तो इसमें अब थर्मल इमेजर लगा दिया गया है, और जिसकी हेल्प से जो आपका कमांडर है वो दिन और रात दोनों में अपनी नजरें बना सकता है, और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसे बढ़ा सकता है। और उसके साथ ही इसमें दिया गया है लेजर रेंज फाइंडर जो कि इसको देने जा रहा है हंटर किलर कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और जिसकी वजह से अब क्या हो सकता है कि 2 सेपरेट टारगेट को जो आपका टैंक है वो ट्रैक करके हिट करने में सक्षम होगा। हालांकि आप टैंक से दोनों टारगेट को एक बार में हिट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक टारगेट पे फायर करने के बाद जो आपका दूसरा टारगेट है वो आपके सॉफ्टवेयर में रेडी रहेगा, और तुरंत एक तरफ फायर करने के बाद जो आपका टरेट है वो दूसरे टारगेट की तरफ अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये होती है हंटर किलर कैपेबिलिटी। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन किसी भी टैंक को एक अच्छा टैंक क्या चीज बनाती है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे कि आपका टैंक कितना अजाइल है, कितना मनुवरेबल है, आपके टैंक की फायर पावर क्या है, और आपके टैंक पे किस तरह के प्रोटेक्शन है। तो इन सभी पॉइंट्स को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और इन सभी को लेके MK-1A में जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना ये मोबाइल है ये टैंक। तो इसके वेट को लेके अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अर्जुन मार्क 1A का जो वेट है वो मार्क 1 से ऊपर गया है, और वो ऊपर इसलिए गया है कि इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं भारत के इंडिजिनस एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि ERA, और इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसका जो वेट है वो ऊपर गया है, और वो लाजमी भी था क्योंकि जो आपके एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होते हैं वो कम्प्लीटली स्टील के बने होते हैं, तो वो हैवी होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो ऊपर गया है, और इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे इसके DRDO ने इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन को काउंटर किया
एरिया है, मतलब ग्राउंड पे जितना वेट डालता है उस वेट को आप कैलकुलेट करोगे पर मीटर स्क्वायर एरिया में, तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे एरिया में वो यूनिफॉर्म है। और ये जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी क्लास के किसी भी टैंक से बहुत कम है, क्योंकि जो दूसरे टैंक होते हैं उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह का इवन नहीं होता है। यहाँ पे डीआरडीओ ने इस चीज को अचीव किया है, और ये चीज किस तरह अचीव की गई है इस पॉइंट को मैंने रखा है जब मैं इसके क्रिटिसिज्म को काउंटर करूंगा एक दूसरे सेक्शन में, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसके हैवी वेट होने के साथ ही इसकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका जो इंजन है वो पावरफुल इंजन लगाया गया है इसमें। हालांकि वो इंजन अभी हमारा नहीं है, और वो इंजन हमारा इसलिए भी नहीं है कि अर्जुन मार्क वन को लिमिटेड नंबर में प्रोक्योर किया गया था, और आप इस लिमिटेड नंबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ हम पहले ही डेवलप कर लें। अगर आपका ऑर्डर बड़ा होता तो यहाँ पे इंजन बनाने की कोशिश की जाती, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। बात करते हैं अर्जुन मार्क वन में जो पावर पैक लगा है, यानी कि जो इंजन लगा है उसमें तीन चीजें हैं। आपका इंजन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, और फाइनल ड्राइव हो गया। और फाइनल ड्राइव के आपके दो सेगमेंट होते हैं। आपका पहला सेगमेंट होता है राइट हैंड फाइनल ड्राइव और लेफ्ट हैंड फाइनल ड्राइव, ये दोनों आपके जो ट्रैक असेंबली है वहां कनेक्ट होते हैं, और बीच में आपका होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। हालांकि तकरीबन 1500 हॉर्स पावर का इंजन जो कि मेन बटल टैंक के लिए होगा उसको CVRDE डेवलप कर चुकी है, लेकिन अभी जो इंजन लगा हुआ है वो शायद जर्मन इंजन है जो कि इस तरह के हैवी वेट कैटेगरी को देखते हुए लगाया गया है, और वो इसकी मोबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और इसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसके हाइड्रोनोमेटिक सिस्टम में इंप्रूवमेंट की गई है। तो बेसिकली आपके जो हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन होते हैं उनमें लिक्विड का यूज किया जाता है फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए। अमूमन जो आपके सस्पेंशन होते हैं वो मेटेलिक होते हैं और स्प्रिंग के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज एलिमिनेट करके हाइड्रोनोमेटिक बनाई गई है, जिसकी वजह से एक पाइप के अंदर गैस होंगी, और ये अमूमन नाइट्रोजन गैस होती हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फोर्स को ट्रांसफर करती हैं। तो इस तरह से जो आपका ओवरऑल सिस्टम है और जो फ्रिक्शन है उसको आप एलिमिनेट कर पाते हो, और जो स्टिफनेस है वो कम हो पाती है। तो इसके हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन को रीडिजाइन किया गया है इसके वेट को देखते हुए, और साथ ही साथ इसका जो मेन ड्राइव है, जैसे हमने इससे पहले बात किया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो ड्राइव है उनमें भी कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं, और वो इंप्रूवमेंट आर्मी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किए गए हैं कि आर्मी को जितनी एजिलिटी चाहिए इसके अंदर वो सभी उनको दी जाए। और अब वहीं पे अर्जुन मार्क वन में एडवांस लैंड नेविगेटिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया है ALNS। इस सिस्टम को डेवलप किया है BEL ने। इसके लगने के बाद किसी भी डेजर्ट एरिया में आप अपने टैंक को इजीली नेविगेट कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने शायद एक चीज बताई है आपको कि इसका जो इंजन है उसमें एक कूलिंग सिस्टम भी है जो कि इसके ओवरऑल थर्मल सिग्नेचर को कम करेगा और हेल्प करेगा जो भी हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं उनसे बचने में। तो इस तरह के लैंड नेविगेशन सिस्टम के लग जाने के बाद आपका टैंक किस डेजर्ट एरिया में किस तरफ है और उसको कहाँ भेजना है किसी वॉर जोन में, तो उस चीज को आप इजीली नेविगेट कर पाओगे। तो ये सब चीज हम इसकी मोबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं। वहीं पर मोबिलिटी को और भी आसान बनाने के लिए इसके ड्राइवर के व्यू के लिए एक नाइट विजन कैमरा लगाया गया है इम्प्रूव्ड वर्जन में। वहीं पे इससे पहले टैंक के ड्राइवर्स के लिए एक इमेज इंटेंसिफायर लगाया गया था अर्जुन मार्क 1 में, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब उसको रिप्लेस करके एक अनकूल्ड थर्मल इमेजर लगा दिया गया है। और इसी के साथ ही वहाँ पे ऐड कर दिया गया है एक बायनोकुलर, और इस थर्मल इमेजर के लग जाने की वजह से आपका जो ड्राइवर है वो रात में भी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है जो कि 55 से लेकर 58 KMPH की है उस स्पीड पे रन करने में सक्षम होगा। तो ये तो रही बात इसके एजिलिटी और मोबिलिटी को लेके, अब बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन को लेके। तो इसके प्रोटेक्शन में डिटेल में बात करेंगे जो भारत का इंडिजिनस ERA है उसके बारे में। तो इस टैंक के अंदर चार लोग बैठे हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। आपका पहला हो गया कमांडर, दूसरा हो गया गनर, तीसरा हो गया आपका लोडर, और चौथा हो गया आपका ड्राइवर। तो इन सभी को सेफ रखने के लिए इनके लिए जो प्रोटेक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मार्क वन में इसको लेकर कुछ खामियां थी जिसको यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है, जैसे कि फ्रंट में ही ट्रैक्ड विद माइन प्लग दे दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी अगर आगे माइन बिछा रखा है किसी ने तो उसको ये पहले ही खुरेद देगा। तो बेसिकली ये जो आपके माइन प्लग होते हैं ये आपके टैंक के रास्ते को माइन फ्री बनाते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन टैंक पे दिए गए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के बारे में। तो आर्मर कौन कौन सी जगह पे है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो जिसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म था कि इस प्लेस पे आर्मर नहीं है, और वो प्लेस था गन मैनलेट। तो अब यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन दे दिया गया है ERA का, जो कि अभी फिलहाल टैंक्स हैं उनमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऑर्डर आते हैं और जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो आपका ERA है वो डाल दिया जाएगा। वहीं पे टैरेट पे भी प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा दिया गया है, साथ ही जो फ्रंटल सेक्शन है वहाँ पे प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा दिया गया है। बात करते हैं रूफ पे, जहाँ पे अमूमन जो भी प्रोटेक्शन होते हैं वो वीक होते हैं, तो रूफ पे भी आपके इस तरह के प्रोटेक्शन लगा दिए गए हैं। वहीं बात करते हो हल्की और टरेट की, तो उसके लिए भी एक स्लैट आर्मर लगाया गया है, और ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक हैवी स्कर्ट लगाए गए हैं। अगर वहीं पे टैंक के नीचे कोई एक्सप्लोसिव फटता है तो उससे बचने के लिए भी IED प्रोटेक्शन लगाए गए हैं, और साथ में जो माइन प्रोटेक्शन है उसको भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरह के कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाए गए हैं। अब बात करते हैं भारत के इंडिजिनस जिसको DRDO ने डेवलप किया है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के बारे में। तो पहले इसके आप नाम को समझ लीजिए, तो नाम में क्या लिखा है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो इस आर्मर में एक्सप्लोसिव के साथ रिएक्टिव कैपेबिलिटी भी है। तो किस तरह के आर्मर होते हैं बेसिकली, तो इस आर्मर को बनाने के लिए दो फेस प्लेट के बीच में एक्सप्लोसिव को डाल दिया जाता है, और ये जो दो आपके प्लेट होते हैं ये स्टील के बने होते हैं जो कि हाई ग्रेड स्टील होते हैं, और इनके बीच में ये जो आपका एक्सप्लोसिव है वो डाल दिया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे क्योंकि कोई भी दुश्मन के एंटी टैंक ATGM आपको हिट करते हैं या फिर कोई ग्रेनेड आपको हिट करता है
होता है और मान लो वर्स्ट कंडीशन में उस ATGM के वॉरहेड को टैंडम शेप में रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे दो बार आपका इंपैक्ट होगा। आपका जो ATGM का प्रिकर्सर वॉरहेड है वो जैसे ही ERA के फर्स्ट प्लेट को भेदेगा, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो ERA के अंदर जो बीच में एक्सप्लोसिव है वो फट जाएगा, और उसके फटते ही जो आपके दुश्मन का ATGM है उसका जो अभी मेन वॉरहेड है वो तो नहीं फटा है, वो तो तब फटता जब ERA हट जाता और ERA के अंदर जो शेल है उसको पेनिट्रेट करने के लिए वो उसी पॉइंट पे फटता। तो उससे पहले जो आपके ERA के अंदर एक्सप्लोसिव है वो फट जाते हैं, और उसके फटते ही जो दुश्मन का ATGM आपके टैंक के ऊपर है सतह पे उसको ये रिएक्ट करके रिपेल कर देता है, दूर फेंक देता है। तो इस तरह का ये ERA प्रोटेक्शन है जिसे DRDO ने डेवलप किया है, और ये प्रोटेक्शन हर तरह के जो वॉरहेड है दुश्मन के उससे आपको बचाने में सक्षम है, चाहे वो जो मिसाइल है वो किसी टैंडम वॉरहेड के साथ आ रही हो, तो उन सभी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। और ठीक इसी तरह से ये चीज अप्लाई होती है ग्रेनेड के लिए भी। तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो तो जब भी कोई एम्युनिशन फायर होता है और उसके साथ जो धुआं निकलता है वो आपके पाइप के थ्रू रेडी राउंड बिन में भी आता है, और जिससे बचने के लिए इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, और ये है कंटेनराइज्ड एम्युनिशन बिन, जिसके कंट्रोल के लिए इसमें इंडिविजुअल शटर दिए गए हैं। तो अब आपके जो भी क्रू है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे जो भी बर्न गैसेस है जो की प्रोड्यूस होती है तोप के फायर के बाद, और ये जो बर्न गैसेस है उनके निकलने के लिए रूफ में एक वेंटिलेटिंग स्पेस दे दिया गया है। वहीं पे अर्जुन मार्क वन के आउटस्कर्ट में एक केमिकल सेंसर लगाया गया है जो कि इसको केमिकल अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, कि मान लो बाहर के वातावरण में किसी भी तरह की कोई जहरीली गैस है तो उस चीज से बचने के लिए कि वो अंदर ना आए तो ये केबिन के प्रेशर को हायर बना लेता है, जिसकी वजह से अगर ड्राइवर किसी भी रफ टेरेन में ड्राइव कर रहा है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर MK1A की प्रोटेक्शन की बात कर ही रहे हैं तो इसमें कुछ नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि इसमें लेजर वार्निंग एंड काउंटर सिस्टम दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई भी एनिमी आपको टारगेट कर रहा है तो अमूमन वो अपने ATGM को या फिर हेल्थ फायर मिसाइल्स को लेजर के थ्रू गाइड करता है, जो कि उनके लेजर डेजिग्नेटर जो पॉड्स होते हैं वो करते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए इसमें कुछ सेंसर लगाए गए हैं कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लेजर पॉइंट होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपको एक वार्निंग मिल जाएगी। और ये सिर्फ LD के लिए नहीं होता है, अगर आपको कोई एनिमी लेजर रेंज फाइंडर के इस्तेमाल करके आपको ढूंढ रहा है तो आपको उस चीज का पता चल जाएगा पहले ही इस सेंसर के थ्रू, क्योंकि ये जो आपका लेजर वार्निंग रिसीवर है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैंड का यूज करता है, बैंड 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें चार तरह के ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इसके एक्यूरेसी को बढ़ाता है, और आपको यूं ही किसी भी तरह की कोई भी वार्निंग नहीं देगा, मतलब मिस्टेक के चांसेस बहुत कम है, जो कि हेल्प करेगा एक फास्ट टाइम रिस्पॉन्स करने में, जिससे कि आप उस एनिमी के लेजर फाइंडर के डायरेक्शन में एक काउंटर मेजर अप्लाई कर पाओगे, मतलब कोई मिसाइल फायर कर पाओगे या फिर किसी भी तरह का कोई भी जैमिंग सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो अर्जुन MK1A में काउंटर मेजर सिस्टम भी दिए गए हैं, और वो किस तरह के हैं अभी वो चीज क्लासिफाइड है। तो अमूमन ये RF जैमर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि DLS काउंटर मेजर दिया गया हो, या फिर ये काउंटर मेजर एक एक्टिव प्रोटेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। वहीं पे अर्जुन मार्क 1A के सरफेस पे एंटी इंफ्रारेड पेंट किया गया है, मतलब इसके जो हीट सिग्नेचर है वो कम हो जाएंगे, और जिससे कि इसको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होने जा रहा है। तो जो भी एनमी इंफ्रारेड वाले गॉगल का यूज करके आपको देखेंगे तो उस चीज से बचने के लिए इसके सरफेस पे पेंट किया जा रहा है, जो कि IR पेंट होगा। तो ये बात रही प्रोटेक्शन की, अब बात कर लेते हैं फायर पावर की। तो इसके फायर पावर को लेके भी काफी क्रिटिसिज्म देखा गया है। उस क्रिटिसिज्म में जो पॉइंट वहां पे उन्होंने कन्वे किया है वो इसके फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग जो डिस्कार्डिंग सैबोट है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। तो उसको DRDO ने स्पेसिफिकली डेवलप किया था T-72 टैंक्स के लिए, जो कि एक 125mm FSA PDS था, जिसका जो कोर था वो सॉफ्ट था। लेकिन यहाँ पे DRDO अर्जुन के लिए एक और इम्प्रूव्ड FSA PDS पे काम कर रही है, और उसके साथ ही MK1 हाई एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड जो एम्युनिशन है उसको भी फायर करने जा रहा है। तो इस तरह के वॉरहेड में क्या होता है, आपके एक्सप्लोसिव के तुरंत बाद एक इनर्ट गैस फिल कर दी जाती है, और उस इनर्ट गैस के तुरंत आगे एक नोज प्लग दे दिया जाता है। तो जैसे ही आपका एक्सप्लोसिव फटता है तो वो तुरंत एक तरह का शॉक जनरेट करता है, और वो शॉक ट्रांसफर होता है आपके जो भी इनर्ट गैस है वहां पे, और ट्रांसफर होने के बाद एक तरह का स्क्वैश इफेक्ट जनरेट होता है जो कि आपके नोज प्लग को एक हाई वेलोसिटी पे पुल करता है। तो कुछ इस तरह के ये वॉरहेड होते हैं जो अर्जुन MK1A से भी फायर किए जाएंगे। वहीं पर अर्जुन थर्मोबैरिक बॉम्ब भी फायर करने जा रहा है, और ये वो बॉम्ब होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके एक तरह का ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, जिसे आप लोग फ्यूल एयर एक्सप्लोजन भी कह देते हो, और ये एक हाई टेंपरेचर के एक्सप्लोजन होते हैं जो कि एक लार्जर एरिया में फैलते हैं। तो इस तरह का बॉम्ब भी अर्जुन MK1A फायर करने जा रहा है। वहीं पर अर्जुन एक 125mm पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट जो PCB म्यूनिशन होते हैं उनको भी फायर करने जा रहा है। तो इस तरह के म्यूनिशन किसी भी सतह को भेदने के बाद ब्लास्ट करते हैं। अब बात करते हैं फायर पावर से लेके ही कुछ नए इंप्रूवमेंट्स की, और वो इंप्रूवमेंट्स है रिमोट कंट्रोल सिस्टम के। तो गनर के प्रोटेक्शन के लिए जो वेपन लोडिंग स्टेशन होता है उसको अब रिमोटली कंट्रोल बना दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि गनर को बार बार बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, और गनर अंदर बैठे ही सरफेस टारगेट और एरियल टारगेट दोनों को हिट कर सकेगा, जो कि टैंक को एक हैच क्लोज्ड कैपेबिलिटी देता है। कहने का मतलब यह है कि टैंक को क्लोजली पैक करके आप अंदर बैठे बैठे किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो अपने बड़े या फिर छोटे गन से। तो कुछ इस तरह का फायर पावर MK1 लेके आने वाला है। जहां तक बात है इसके ट्रांसपोर्ट की, तो जिस तरह का वेट डिस्ट्रीब्यूशन जमीन पे जनरेट करता है वो चीज काफी सेफ है। जरूरत आपको
ये है कि इसके लिए जो भी आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना रहे हो उसको इस प्रकार से बनाओ कि वो हैवी से हैवी व्हीकल को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सके, और दूसरी तरफ इस तरह के टैंक को इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीआरडीओ ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के ब्रिज भी बनाए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये टैंक एक फॉर्मिडेबल टैंक है और अभी इसका जो वेट है उस पर काम चल रहा है जो कि आपको एक नेक्स्ट वर्जन में इम्प्रूव मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसके किसी डिजाइन को भी फ्रीज नहीं किया गया है क्योंकि टैंक बनाने के प्रोसेस में हम अभी नए नए उतरे हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि इसके डिजाइन फ्रीज नहीं हो पाए हैं कि प्रोजेक्ट के मिड में आर्मी की नई नई रिक्वायरमेंट आती रहती है जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है और इसी वजह से ये डिजाइन अभी फ्रीज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें फेज बाई फेज की जाती है और एप्लीकेशन के बाद आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर इंडियन आर्मी एक बड़े नंबर में इसको प्रोक्योर करती है जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा डीआरडीओ को और वो इसमें इंडिजिनस इंजन भी बना के लगा पाएंगे क्योंकि एक लिमिटेड नंबर के ऑर्डर के लिए कोई आपको इंजन की फैक्ट्री नहीं डालने जा रहा है। अगर ऑर्डर बड़ा होगा तो इंजन की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। अगर बात करते हो ट्रायल एंड टेस्टिंग की तो इसको हर कंडीशन में हर वेदर में हर तरह के वॉर जोन में टेस्ट कर लिया गया है और तब जाके इसने ट्रायल्स को कंप्लीट किए हैं। पूरे 2 से 3 साल लगे हैं इसमें।